आगामी गणेश चतुर्थी पर्व के नजदीक आते ही दुर्ग शहर के बाजारों में लगी दुकानों में भगवान गणेश की प्रतिमा विशेष श्रृंगार और अलग अलग वेशभूषा में सजकर तैयार है। जहां अमरावती, महाराष्ट्र व दुर्ग के थनौद पैटर्न पर तैयार श्री गणेश की प्रतिमाएं 200 से लेकर 5000 रुपए तक की है। वहीं दुर्ग शहर के बाजारों में पहुंची भगवान श्री गणेश की प्रतिमाएं सहसा ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। समृद्धि बाजार स्थित लगे स्टॉल में रखी श्री गणेश की आकर्षक मूर्तियों का एशियन न्यूज के संवाददाता नसीम फारूकी ने जायजा लिया। गणेश चतुर्थी के आगमन के साथ ही शहर में इन दिनों गणेश प्रतिमाओं की दुकानें सजने लगी हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक से बढ़कर एक प्रतिमाएं यहां पर सज धज कर रखी हुई हैं। जिस तरह से गणेश जी विराजमान सिंहासन पर नज़र आ रहे हैं, इनके सर पर सजा ताज और कलगी आकर्षक का एक अलग केंद्र बना हुआ है। इसके साथ ही विभिन्न रूपों में यहाँ गणेश जी की प्रतिमाएँ विराजित हैं, जिसे लोग बड़ी संख्या में देखने खरीदने पहुँच रहे हैं, अपने अपने पसंद की प्रतिमा देखने। खासकर बच्चों को काफ़ी रुझान इसमें नज़र आ रहा है। जिस तरीके से बच्चे पसंद करते हैं कृष्ण में का रूप धारे, जैसे गणेश जी हैं उसको बांसुरी लिए, ये बच्चों को काफ़ी अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसी के साथ ही जो महिलाएँ हैं प्रतिमाओं में जो श्रृंगार किए हुए जो नग हैं, नग की कारीगिरी उसका ज़्यादा विशेष ध्यान रखते हुए इसको अपनी पसंद में रख रहे हैं। उसी तरीके से यहाँ पर करीब 70 से 80 दुकानें इस बार शहर में लगी हुई है, जो इन दिनों इसकी कीमत 200 रुपये से लेकर 6000 रुपये तक की प्रतिमाएं यहाँ पर विराजित हैं। इसके साथ ही देख सकते हैं कि छोटी प्रतिमाओं जहाँ तक नक्काशी से सजे हुए, वहीं बड़ी प्रतिमाएं भी अपनी ओर लोगों को आकर्षित कर रही है। इसके साथ ही हम यहाँ पर जो प्रतिमा लगा के रखे हैं उसको लेकर हम यहाँ के दुकानदार से बात करना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ प्रतिमा है और कैसे कितने कीमतों में यहाँ लोग आ रहे हैं देखने। जी बताएं भाई साहब, किस तरह की यहाँ प्रतिमा है और लोग किस तरह के पसंद कर रहे हैं? ये ज़्यादातर डेकोरेट मूर्ति पसंद करते हैं लोग, भक्त और कच्ची मिट्टी का वही मूर्ति हैं सब। ये आधा हमारे पास में अमरावती पैटर्न में है और कुछ थनौद वाली भी है, हमारी लोकल जो बनती है वो ज़्यादातर थनौद की मूर्ति पसंद करते हैं। पब्लिक डिमांड क्या चाहती है, किस तरह का उसमें एक प्रतिमा में होना चाहिए? प्रतिमा में ज़्यादातर डेकोरेट और लालबाग का राजा, ये ज़्यादा डिमांड करती है। कितने से कितने प्रतिमा आपके कीमती है? हमारे पास में 300 रुपये से लेकर के 4000 रुपये तक की मूर्ति है। तो इसके साथ ही जो अपनी जो एक लोकल जो थनौद की प्रतिमा जो जहाँ पर बनती है गणेश की प्रतिमा है, उसको लेकर भी आप पीछे देख सकते हैं कि जो थनौद की जो साधारण सिंपल जो प्रतिमा है वो भी यहाँ पर पहुँची हुई है। काफ़ी आकर्षक दिखते हैं ये सादा सिंपल मिट्टी, जो काफ़ी प्रसिद्ध है यहाँ पर छत्तीसगढ़ में दुर्ग के थनौद ज़िले से, जहाँ पर बड़ी संख्या में प्रतिमा आती है। उसको लेकर हम बात करेंगे यहाँ के उसको लेकर दुकानदार से कि किस तरह की यहाँ पर प्रतिमा है। ये देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर प्रतिमा है। हम बात करेंगे दुकानदार से कि क्या वैरायटी है और कितनी कीमत की यहाँ पर आपकी प्रतिमा है। मतलब 500, 600, 1000, 1200। कहाँ की प्रतिमा है, किस कैसे लायक है? थनौद की है जी। कौन बनाया इसको, कलाकार क्या है? कलाकार तो कितनी कीमतें हैं यहाँ की, कितने से कितने तक की? 250, 300, 400, 500, 1000। पब्लिक क्या डिमांड चाहती है, किस तरह की प्रतिमा चाहती है? मतलब क्या यही चलना लग रहा है। जिस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर गणेश प्रतिमाओं की बहुत सी दुकानें लगी हैं, उसको लेकर अब लोगों का रुझान इस तरह पहुँच रहा है। अब धीरे धीरे जैसे ही इस वक्त नज़दीक आते जाएगा, लोग दुकान तक पहुँच कर अपनी मनपसंद प्रतिमाएँ लेते रहेंगे। दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।